यहाँ पे लोग ऐसे ओवरटेक मार रहे हैं खाली रोड देख के, दिल्ली वालों को समझ में नहीं आता कैसे राइड करनी है, कैसे गाड़ी चलानी है, पता नहीं क्यों भगाते हैं। भगाने के लिए तो और बहुत सारी सड़कें हैं, सीधी सीधी पहाड़ों में भी भगाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों में सेकंड चांस नहीं होता। हाईवे पर आपके पास सेकंड चांस होगा, लेकिन पहाड़ों पर नहीं होगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज अशोक फ्रॉम राइड ऑन। एंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने मलाना में स्टे किया था, कैंपिंग की थी और बड़े ही खूबसूरत व्यूज और नज़ारे आपको दिखाए थे, और वहाँ का सनराइज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। खैर, अब हम मलाना से दिल्ली के लिए रिटर्न हो रहे हैं और ये वीडियो अब मलाना से दिल्ली तक का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर मलाना टू दिल्ली। और अब नीचे उतर रहे हैं मलाना से, मज़ा आ गया। लेकिन कल की कैंपिंग साइट हमारी सबसे बढ़िया थी। आज हम अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और लगभग अब टाइम हो गया है 10:30 का शायद, और अब दिल्ली पहुंचने में हमें वक्त लगेगा 17-18 घंटे का। अरे अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है, जब मैं पहले आया था तो चरसी हर जगह घूम रहे थे। कैसे आ रहे हो? क्या बात है। रिवर आवे। आईटी मंडी वाला रास्ता ले लिया हमने, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता इतना ज्यादा बर्बाद है। ये अंदर से जा रहा है रास्ता, थोड़ा छोटी सड़क है, हर कोई नहीं जाता यहाँ से, और ये थोड़ा पहाड़ियों के बीच में से भी है। भाई यहाँ से आ तो रही हैं यार गाड़ियाँ। कैंपिंग साइट के लिए ना हमें ऐसी कोई इंटरनल सड़क पकड़नी चाहिए और उसे पकड़ के फॉलो करके ऐसी जगह जाना चाहिए, कहीं ऑफ बीट सी जगह। हाँ, मलाना थी ना जैसी, ऐसी ही पकड़नी पड़ेंगी हमें आगे से, क्योंकि जो फेमस होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे जाने को फायदा नहीं है, सब लोग तो वहीं चले जाते हैं, फिर वहाँ रोड भी चौड़ी होती है और भसड़ भी ज़्यादा होती है। तो हमने कितनी साइट कर ली, मलाना कर लिया, कसोल था क्या था, तोश कर लिया, और रोहतांग के पास गुलाबोद जगह, तो वो भी अल्टीमेट थी यार, जो जगह बहुत अच्छी थी वो। क्या बढ़िया व्यू आ रहे हैं यहाँ तो, और यहाँ का तो मज़ा ही निराला है। पेड़ों के बीच में हम लोग चल रहे हैं, लग नहीं रहा है मनाली वाला रास्ता, मनाली से इंटरनल एक रास्ता है जो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे दिल्ली का ट्रैफिक नहीं है, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये बीच वाली सड़क है जो हमने मंडी वाला रास्ता है, आईटी मंडी से यहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे ना लोग गाड़ियाँ बड़ी अजीब ढंग से चलाते हैं, मतलब ज़्यादातर हमने देखे कि जो जैसे पंजाब से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं, ये लोग ना एकदम भगाने लगते हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे छोटी सी सड़क है, सामने से कोई बड़ा ट्रक आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ना गाड़ियों में ना गैप बना के चलना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आओगे यहाँ पे तो गाड़ियों से गैप बना के चलें, और यहाँ पे आने में जो ये रास्ते का मज़ा है वो यहाँ आके ही मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, यहाँ नीचे एक रिवर भी चल रही है, रिवर नहीं है बेसिकली, छोटा सा वाटर सोर्स है, वहाँ से जा रहा सीधा। और ये पतली सी रोड है जहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो बहुत खूबसूरत रास्ता है ये।
हेलो दोस्तों, हम निकल गए हैं लंच करके अभी मंडी से। फिलहाल हालांकि गर्मी है, अभी रास्ते में काफ़ी गर्मी है, लेकिन राइड करने में मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हरियाली चारों तरफ बिखरी पड़ी है और हरियाली में सूरज की रोशनी भी बिखरी पड़ी है। यहाँ से दिखा रहा है बिलासपुर 24 किलोमीटर। यहाँ पे लोग ऐसे ओवरटेक मार रहे हैं खाली रोड देख के, दिल्ली वालों को समझ में नहीं आता कैसे राइड करनी है, कैसे गाड़ी चलानी है। पता नहीं क्यों भगाते हैं। भगाने के लिए तो और बहुत सारी सड़कें हैं, सीधी सीधी पहाड़ों में भी भगाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों में सेकंड चांस नहीं होता। हाईवे पे आपके पास सेकंड चांस होगा, लेकिन पहाड़ों पे नहीं होगा। सौरभ मेरे बगल में आ गए, वरुण थोड़ा पीछे रह गया शायद अभी। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं बिलासपुर। और यहाँ पे उतना ट्रैफिक भी नहीं है। आगे जाके हालांकि वही रोड मिलने वाली है दिल्ली टू मनाली वाली। और कुछ कुछ बाइकर्स नजर भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग स्वार घाट के पास पहुंच गए। रोड बड़ी बेकार है, बहुत ज्यादा बर्बाद रोड है, कई सारे गड्ढे आ रहे हैं यहाँ पे और गड्ढों में से बाइक निकाल रहे हैं। और आगे कुछ टक्कर हो गई है दो ट्रक्स की आपस में ना, बहुत बुरा हाल था। हाँ भाई सौरभ, क्या विचार है तुम्हारे इस रोड के बारे में जिसको करके आए हो? मजा आ गया, एक्सीडेंट देखा एक ट्रक का भाई। जब ट्रक आमने सामने भिड़े हुए थे, लंबा जाम, सौरभ ने पीछे ही ब्रेक मार ली कि मैं फिर से ऐसा कोई सीन ना देख लूं। देख ही लिया। वरुण बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसकी गर्मी खत्म हो चुकी है। वो कल लेट नाइट मतलब शाम को हम लोग पहुंच गए थे। पहले वाला रास्ता जिससे हम लोग गए थे वो रास्ता बड़ा ख़राब था, लेकिन जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता बहुत अच्छा था। हमने IIT मंडी वाला रास्ता ले लिया था जो कि बड़ा बेहतरीन रास्ता था। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें खाली अपनी लेन में ही चलना चाहिए। हमारे साथ कुछ इंस्टेंसेज ऐसे भी हुए हैं जिसमें हल्का सा कोई भी, जैसे कभी तो हम भी थोड़ा सा लेन से हटे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे ओवरटेक मार रही थी गाड़ियां जो दूसरी लेन से आ रही थी जो कि ठीक नहीं है। इस चीज़ का आगे से ध्यान रखें। राइड तो आपने देख ही ली होगी, पूरी सीरीज़ काफ़ी अच्छी रही। और दोस्तों विद दैट सेड, कीप इट रॉ एंड कीप इट रॉकिंग एंड कीप राइडिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड पुट योर कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।